हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वह है मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आइए हम एक रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव की कहानी से शुरू करते हैं। जब वे तत्वों के वर्गीकरण पर काम कर रहे थे, उन्होंने पाया कि समान गुणधर्मों वाले तत्व नियमित अंतराल पर होते हैं। इस अवलोकन के आधार पर मेंडलीव ने 1869 में एक आवर्त सिद्धांत पीरियोडिक लॉ बनाया। उन्होंने ये आवर्त सिद्धांत पीरियोडिक लॉ कैसे बनाया? रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन का इसलिए चुनाव किया क्योंकि वे अत्यंत सक्रिय हैं तथा अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्रॉइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया। फिर उन्होंने 63 कार्ड लिए एवं प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्वों के गुणधर्मों को लिखा। उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को अलग कर दिया तथा इन पत्तों को पिन लगाकर दीवार पर लटका दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। ये भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप समूह तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 6 पीरियड क्षैतिज पंक्तियां और 8 ग्रुप ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। 8 समूहों में से पहले 7 समूह सामान्य तत्वों नॉर्मल एलिमेंट्स के हैं और 8वां समूह संक्रमण तत्वों ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। उस समय नोबल गैसों का पता नहीं चला, इसलिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में नोबल गैसों का कोई समूह नहीं था। आवर्त सारणी के प्रत्येक समूह के तत्व कई गुणों में एक दूसरे के समान हैं। तत्वों के गुण समान अंतराल पर दोहराए जाते हैं। अब हम इस प्रकार के वर्गीकरण की दो मुख्य विशेषताओं का वर्णन करेंगे। एक, अधिकतम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। दो, तत्वों के समूह में समान गुणधर्म होते हैं। अब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। इससे कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया गया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीव ने दृढ़ता पूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में उससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका संस्कृत शब्द उपसर्ग लगाकर किया, जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन के समान थे। मेंडलीव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमिनियम तथा बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को इस सारणी में सूचीबद्ध किया गया। इससे मेंडलीव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता
तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीफ के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी माना। उत्कृष्ट गैसों जैसे हीलियम, नियॉन एवं आर्गन का पहले भी कई संदर्भ में उल्लेख किया गया। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये अक्रिय हैं तथा वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक विशेषता ये भी थी कि जब इन गैसों का पता चला तब पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें नए समूह में रखा जा सका। आइए अब हम मेंडलीफ के वर्गीकरण की सीमाओं पर चर्चा करें। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ एक जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाता है, जैसा आप इस उदाहरण में देख सकते हैं। दूसरी ओर हैलोजन की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में पाया जाता है और धातुओं एवं अधातुओं के साथ सह संयोजक यौगिक बनाता है। निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी की पहली कमी थी। वो अपनी सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दे पाए। मेंडलीफ के तत्वों के आवर्त वर्गीकरण तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का पता चला। हम जानते हैं कि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इस प्रकार सभी तत्वों के समस्थानिक मेंडलीफ के आवर्त नियम के लिए एक चुनौती थी। दूसरी समस्या ये थी कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते, इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर जब हम भारी तत्वों पर विचार करते हैं तो कठिनाई आती है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में मेंडलीफ की आवर्त सारणी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे।